କେମିତି ଡାକିବି କାଳିଆ ମୁଁ ତ ଜାଣେନି ପୂଜା ମନ୍ତର ତତେ କେମିତି ଡାକିବି କାଳିଆ ମୁଁ ତ ଜାଣେନି ପୂଜା ମନ୍ତର। कितनी मधुर आवाज है। इन पवित्र शब्दों को सुनने के बाद आपका दिल आस्था से भर गया होगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर दोनों अलग अलग तस्वीरें देखें। एक चित्र में एक लड़की भगवान श्री जगन्नाथ को प्रणाम कर रही है, जबकि दूसरे में उसने हिजाब पहना है और अल्लाह की इबादत करती नजर आ रही है। ये लड़की जिसने खुद को सभी धर्मों विचारों से ऊपर रखा है और सभी धर्मों की समानता का संदेश देती है, बालासोर जिले के बालीपाल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सुनरोई गांव की मामूनी खातून है। उनके उपनाम से आपने सही अंदाजा लगाया होगा कि वो मुस्लिम है, लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति उसका प्रेम और समर्पण बताता है कि सभी धर्म समान है और भगवान और अल्लाह दोनों एक है। ସପନ ରୂପ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନା ବିଶାଳ କୁଳ ସମ୍ଭବ। ये धुन भगवान और उनके भक्तों के बीच के पवित्र रिश्तों को दर्शाती है। आसान शब्दों में कहें तो ये जाति धर्म और पंथ के बावजूद सर्वशक्तिमान की भक्ति का वर्णन करती है। बचपन से ही मामूनी की हिंदू धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने और वैदिक भजनों के उच्चारण के प्रति गहरी रुचि थी। भगवान गणेश के लिए धार्मिक प्रार्थना और संस्कृत के छंदों को भी उसने याद किया है। उसे गायत्री मंत्र भी याद है। उसकी असाधारण प्रतिभा को देखकर उसके परिवार के सदस्य बहुत खुश हैं। मुस्लिम जी भी जगन्नाथ को बहुत भक्ति करे। मैं जन्म से मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे भगवान जगन्नाथ से बहुत प्यार है। मैं उनकी पूजा भी करती हूँ। मेरे मुस्लिम होने पर भी क्या फर्क पड़ता है, सभी धर्मों के भगवान समान है। मैं भजन भी गाती हूँ। मैं संस्कृत में ऑनर्स के साथ पास हुई हूँ। भविष्य में मेरी इच्छा संस्कृत का अच्छा लेक्चरर बनने की है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव। मामूनी का कहना है कि शारीरिक सुंदरता ही सब कुछ नहीं है, जब तक आपके पास आंतरिक ज्ञान नहीं है बाकी सब कुछ अधूरा है। जब तक किसी के पास ज्ञान ना हो या वो किसी के द्वारा सराहा ना जाए, कोई कितना भी सुंदर दिखे ये बहुत कम मायने रखता है। मामूनी अपने ज्ञान और सद्गुणों से बहुत उन्नत है। हालांकि उसके परिवार की गरीबी उसके सपनों को पूरा करने के रास्ते में बाधा के रूप में खड़ी है। उसके पिता गरीब किसान है। पैसे की कमी के कारण रहने के लिए पक्की छत नहीं है। ऐसे में ये अनिश्चित है कि वह अपनी गरीबी के बीच भविष्य में अपनी पढ़ाई जारी रख पाएगी। इतना ही नहीं, उसने पैसे के कारण संगीत सीखने की अपनी इच्छा को मार दिया है। मेरे पिता किसान हैं। हम दूसरों के घरों में काम करके जो भी पैसा कमाते हैं उससे परिवार का भरण पोषण होता है। ये सच है कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मैं पैसे के कारण भविष्य में अपना अध्ययन जारी नहीं रख सकती। हम गरीब हैं, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि वे मुझे सहायता प्रदान करें। मामूनी बस एक ही दुआ करती है, सबका मालिक एक, और यही संदेश सब तक पहुंचाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।